सरकार ने संसद में बताया कि वर्ष 2023 के मध्य तक भारत में मुस्लिम जनसंख्या बढ़कर 19.7 करोड़ हो गई है। ये आंकड़ा स्वतंत्रता और विभाजन के बाद भारत में हिंदुओं के साथ हुए सबसे बड़े विश्वासघात का स्मारक है। ये खतरे की घंटी है जो बताती है कि हम तेजी के साथ अपने ही विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। हम जानबूझकर अपने बच्चों के लिए एक ऐसा भारत तैयार कर रहे हैं जहां उनके अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह रहेगा। वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिम जनसंख्या 17.2 करोड़ थी। वर्ष 2023 में ये बढ़कर 19.7 करोड़ हो गई है। बीते लगभग 10 वर्ष में भारत में 2.5 करोड़ मुसलमान बढ़ गए हैं। अनुपात की दृष्टि से देखें तो ये दोनों ही संख्याएं कुल आबादी की 14.2% हैं। लेकिन इन आंकड़ों का वास्तविक अर्थ समझना आवश्यक है। मुसलमानों में साक्षरता की दर 77.7% हो गई है। श्रम शक्ति में उनका अनुपात 35.1% है। 94.9% मुस्लिम जनसंख्या को पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध है। 97.2% के घरों पर शौचालय की सुविधा है। 50.2% मुसलमानों ने 2014 के बाद पहली बार नया घर खरीदा या बनवाया है। ये स्थिति बताती है कि भारत में मुसलमान बहुत पिछड़े और गरीब हैं का जो नैरेटिव बनाया गया है वो पूरी तरह आधारहीन और छद्म है। एक समुदाय के रूप में मुसलमानों की आर्थिक स्थिति अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों के हिंदुओं से बहुत बेहतर है। पाया गया है कि जनगणनाओं में मजहबी समुदाय एक रणनीति के तहत अपनी वास्तविक संख्या छिपाता है। इसके अतिरिक्त लाखों करोड़ों की संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान भारत में लाकर बसाए गए हैं। सही स्थिति क्या है इसका पता संभवतः 2021 की जनगणना के आने के बाद ही चलेगा। कोविड महामारी के कारण जनगणना का कार्य स्थगित किया गया था जो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। वर्ष 1951 की जनगणना में भारत का विभाजन कराने के पश्चात भी मुस्लिम जनसंख्या 9.8% थी जो कि आज बढ़कर आधिकारिक रूप से 14.2% हो चुकी है। जबकि इसी अवधि में हिंदू 84% से घटकर 80% से भी कम हो चुके हैं। हिंदुओं में बड़ी संख्या में सेकुलर और ऐसे मतिभ्रष्ट लोग हैं जिन्हें बीते 75 वर्ष में ब्रेन वॉश करके हिंदू धर्म से लगभग काट दिया गया है। बड़ी संख्या में क्रिप्टो क्रिश्चियन और नव बौद्ध भी हैं जो आरक्षण और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए खुद को हिंदू बताते हैं। ये वर्ग हिंदू धर्म की जड़ें काटने में सबसे आगे है। स्वतंत्रता के बाद से ही कांग्रेस सरकारों ने हिंदुओं के धर्मांतरण को बढ़ावा दिया। उसका परिणाम है कि ये छद्म हिंदू आज पूरे सरकारी तंत्र में दीमक की तरह फैल चुके हैं। ये हिंदुओं की उन निर्धन जातियों और जनजातियों का अधिकार हजम कर रहे हैं जिन्हें वास्तव में आरक्षण और सरकारी सुविधाओं की आवश्यकता है। इसी प्रकार मुसलमान भी अलग अलग राज्यों में अनुसूचित जाति से लेकर पिछड़े वर्ग के आरक्षण में अवैध रूप से कब्जा जमा रहे हैं। मणिपुर में कुकी और नागा ईसाई धर्मांतरण के बावजूद अनुसूचित जनजाति का आरक्षण ले रहे हैं जबकि वास्तविक मूल निवासी जनजाति मेतेई के लोगों को भेदभाव और अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा है। ये स्थिति पूरे देश की है। जनसंख्या के जो आंकड़े हम भारतीयों को बताए जा रहे हैं वो झूठ से अधिक कुछ नहीं है। एक विभाजनकारी अल्पसंख्यक समुदाय की संख्या में असामान्य वृद्धि को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे की तरह देखा जाना चाहिए।
ये भारत की सरकारों का उत्तरदायित्व है कि वो मुसलमानों की जनसंख्या के अनुपात को कम से कम 1947 में विभाजन के स्तर तक ले जाएं। चाहे उसके लिए जनसंख्या नियंत्रण के उपाय लागू करने पड़ें या कोई और तरीका, ताकि विश्व में हिंदुओं का एकमात्र देश भी उनसे छीन न लिया जाए। एक नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम सरकारों पर दबाव बनाएं कि वो मजहबी तुष्टिकरण या तृप्तिकरण से बाज आएं। ये विषय अब हिंदू मानवाधिकारों की रक्षा का है। विश्व भर में आज जो कुछ हो रहा है उससे हम अपनी आंखें नहीं मूंद सकते। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।